अभी हाल ही में मैंने अपने कोटक बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए जमा किए। कोटक बैंक में जाकर के पैसे जमा करने के बाद करीब आधा घंटा हो गया और हमारे मोबाइल पर पैसे जमा करने का कोई भी एसएमएस नहीं आया। फिर मैंने अपना कोटक बैंक बैलेंस चेक किया और वहां पर भी हमारे अकाउंट पर कोई भी पैसे जमा नहीं हुए। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, फिर देखेंगे। धीरे धीरे करीब 2 घंटे हो गए, मेरे मोबाइल पर कोई भी पैसे जमा करने का एसएमएस नहीं आया। मैंने दोबारा अपना कोटक बैंक बैलेंस चेक किया, वहां पर हमारे अकाउंट पर कोई भी पैसा जमा नहीं हुआ। फिर मुझे चिंता होने लगी। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि कोटक बैंक में पैसे जमा करने के बाद में मुझे एक पर्ची मिली थी। उस पर्ची में यह डिटेल थी कि मैंने किस अकाउंट में पैसे जमा किए, नेम, तारीख, रुपए, कितने रुपए जमा किए। मैंने दोबारा फिर से पर्ची से अपने कोटक अकाउंट की डिटेल्स मैच की तो अकाउंट की डिटेल सही थी, कोई भी गलती नहीं की पर्ची भरने में। मैंने सोचा फिर आखिर क्यों अकाउंट में पैसे जमा नहीं हुए, अब तो कोटक बैंक जाना ही पड़ेगा। फिर मैं उसी वक्त अपने बैंक गया और वहां पर मैंने जिनके पास पैसे जमा किए थे उनसे मैंने कहा कि सर मैं अभी कुछ घंटे पहले 15,000 रुपए जमा कर गया अपने खाते पे और हमारे खाते पर अभी पैसे नहीं जमा हुए। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही हमारे अकाउंट पर 15,000 रुपए जमा हो गए, हमारे मोबाइल पर पैसे जमा होने का एसएमएस आ गया। फिर मैंने पता किया कि ऐसा क्यों होता है, तो पता चला कि ऐसा इसलिए होता है जिस दिन बैंक में अधिक भीड़ होती है उस दिन बैंक स्टाफ के अधिक बिजी होने के कारण पैसे जमा करने या किसी भी काम को करने में थोड़ा समय लग जाता और इसमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं होती है।